उर्दू खबर के मुआज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर समझ में नहीं आते। इंसान की अकल कितनी ही कोशिश कर ले, कितने ही दलायल तलाश करे, मंतक ढूंढती फिरे, लेकिन वो मावराए अकल होता है। दरअसल यही वो काम होते हैं जिससे इंसान को ये एहसास और अंदाजा होता है कि वाकई कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरानकुन और चौंका देने वाली दास्तान सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को गौर से देखिए। इस बच्चे की उम्र सिर्फ और सिर्फ 2 साल है, लेकिन अगर आपको बताया जाए कि यह बच्चा हाफिज़े कुरान है तो यकीनन ये आपके लिए चौंका देने वाली बात है। इससे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि यह बच्चा पैदाइशी हाफिज़े कुरान है। अफ्रीकी अरब मुल्क अलजज़ायर में जन्म लेने वाले पैदाइशी हाफिज़े कुरान बच्चे की पूरी दुनिया में धूम मच चुकी है। इस दूध पीते बच्चे को कुदरत की अजीम निशानी और जिंदा मौजज़ा करार दिया जा रहा है। और तो और, ये नन्ना सा नटखट बच्चा दुनिया का सबसे कम उम्र हाफिज़े कुरान होने का एजाज भी हासिल कर चुका है। इस नन्ने बच्चे का नाम याहिया है, जो अफ्रीकी मुल्क अलजज़ायर के एक छोटे से इलाके अल बलीदा का रहने वाला है। ये बच्चा कुरान करीम का पक्का हाफिज है। वो सिवाय कुरानी आयात, मुख्तसर अहादीस और मसनून दुआओं के एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर याहिया से कहा जाए कि साइकिल या कैंडी या चॉकलेट पुकारो तो वो ये लफ्ज भी अदा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान और कलाम इलाही का मौजज़ा देखें कि एक 2 साला नन्ना बच्चा रवानी के साथ कुरान पाक की तिलावत करता है। अलजज़ायर समेत अरब ममालिक के अखबारात और टीवी चैनल्स मुसलसल याहिया की जिंदगी पर स्टोरीज नशर कर रहे हैं। इसके वालदैन और खानदान वालों के इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। अब तो ये आलम है कि इसके गांव के लोग फखरिया लोगों को बताते फिरते हैं कि हम याहिया के गांव में रहते हैं, यानी कि कुरान पाक की बरकत से वो 2 साला बच्चा अपने गांव की पहचान और फखर बन चुका है। प्यारे दोस्तों, जब टीवी पर लोग इस बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत कलाम की तिलावत करते हुए देखते हैं तो इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, जबकि इससे मुतल्लिक पढ़ने वाले भी हैरान होने के साथ साथ चौंक जाते हैं। अलजज़ायर का सबसे बड़ा अखबार अल शरूक है। इस अखबार ने इस मौजाती बच्चे और इसके वालदैन से खसूसी मुलाकात करके एक तफसीली रिपोर्ट छापी है, जिसमें याहिया नामी इस बच्चे की स्टोरी को चौंका देने वाली और समझ में न आने वाली करार दिया गया है। याहिया के वालदैन बहुत ही ज्यादा दीनदार, 5 वक्ता नमाजी, परहेजगार और बाइखलाक लोगों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आने वाले हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक लोगों को इसी तरह इनामो कराम से नवाजता है। नाज़रीन ग्रामी, अल शरूक अखबार को याहिया की वालदा ने एक अनोखी बात बताई। इनका कहना है कि जब ये बच्चा मेरे पेट में था तो इस दौरान मैंने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि एक ऊंची और खूबसूरत जगह है जहां नेक लोगों की एक जमात बैठी है। मैं ख्वाब में इन्हें सहाबा कराम समझ रही हूँ। मैं बहुत खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत करती हूँ, और इस दौरान एक शख्स ने मुझसे कहा कि सैयदना साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अनु तुझे बुला रहे हैं। ये सारा वाकया याहिया की वालदा बयान कर रही है। इनके मुताबिक जब वो ख्वाब में इस तरफ चल पड़ी तो उसी शख्स ने एक इंतहाई पुरवकार बुजुर्ग की तरफ इशारा करके कहा कि ये सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अनु है। ये सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। जब मैं सैयदना साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अनु के पास पहुंची तो वहां एक सफेद रंग की दीवार थी जिसके अंदर एक इंतहाई चमकदार मोती जुड़ा हुआ था। सैयदना साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अनु ने मुझसे फरमाया कि ये मोती तुम्हारा है, इसे ले लो। याहिया की वालदा का कहना था कि उनके हुक्म पर मैंने इस मोती को दीवार से निकाल लिया, जिसके बाद मेरी आंख खुल गई। मैं इस अजीबोगरीब ख्वाब की ताबीर के लिए किसी अच्छे आलम दीन के पास जाने का सोच रही थी कि इसी दौरान मैंने एक और ख्वाब देखा कि मैं काबा शरीफ के सामने मताफ में मौजूद हूँ। वहां पर मौजूद सब लोग मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबा शरीफ के अंदर ले जाया जाता है। इसके बाद जब इस बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने नदा दी जिसमें सूरह मरियम की 7वीं आयत मुझे सुनाई गई। इस आयत का तर्जमा कुछ यूं है, ए ज़िक्रिया, हम आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम याहिया होगा। नाज़रीन ग्रामी, याहिया की वालदा का कहना है कि ये आयत पहले इन्हें याद नहीं थी, ख्वाब में सुनने के बाद जहन में आ गई और फिर वो बच्चे की पैदाइश तक इस आयत को पढ़ती रही। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो हमने ख्वाब के मुताबिक इसका नाम याहिया रख दिया। इस बच्चे का दायां हाथ 6 उंगलियों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन ग्रामी, जब इसके वालदैन एक उंगली को जायद या इजाफी समझकर अस्पताल ले गए कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बाद इस उंगली को कटवा दें, तो जब डॉक्टर्स ने टेस्ट किए तो उन्होंने बताया कि अगर इस उंगली को काट भी दिया जाए तो ये दोबारा निकल आएगी। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इजाफी उंगली के साथ याहिया का सीधा हाथ ऐसे लगता है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत का बाबरकत नाम अल्लाह लिखा हो।
वालदैन ने बताया कि इसके बाद हमने इसकी उंगली कटवाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। याया की खाला का कहना है कि ये आम बच्चों की तरह रोता भी है, लेकिन जैसे ही कुरान करीम की तिलावत इसे सुनाई जाती है ये फौरन खामोश हो जाता है। याया के बारे में इसके अहले खाना उस वक्त हैरत में मुब्तला हुए जब इसकी उम्र एक बरस हुई तो इसने दीवार में लगे फ्रेम की जानिब इशारा किया और उस पर लिखे कलमा तैयबा को पढ़ने लगा। इसके बाद याया कुरान करीम खोल कर इसमें आयात सजदा ढूंढकर पढ़ने लगा। याया 2 साल का हो चुका था लेकिन वो बहुत ज्यादा तेज है। इसे अपने हम उम्र बच्चों की तरह खिलौनों से कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ यही नहीं, अगर इस नन्हे आशिक कुरान को कलाम पाक या कोई किताब न मिले तो वो टीवी पर कुरान करीम की तिलावत सुनता रहता है। अगर कोई याया के सामने तिलावत करते हुए गलती कर जाए तो उसकी गोया शामत आ जाती है। ये पैदाइशी हाफिज उससे लिपट जाता है और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इसे गलती की इसलाह न करा ले। हिफ्ज कुरान के साथ साथ रफ्ता रफ्ता याया की सलाहियतों में इजाफा होने लगा है। वो अब मशहूर कराए कराम और मशायक में फर्क भी करने लगा है, जबकि इसे कुरान करीम की मक्की और मदनी सूरतों में फर्क भी अच्छी तरह मालूम है। आप बस याया के सामने किसी सूरा का नाम लें और वो उम्दा अंदाज और कवायद तजवीद का भरपूर लिहाज रखते हुए अपनी तोतली जुबान से कलाम पाक पढ़ने लग जाता है। अगर किसी आयत का एक लफ्ज पढ़ा जाए तो वो आगे पढ़ना शुरू हो जाता है। याया ने अगरचे किसी से सीखा नहीं और ना ही इसकी सीखने की उम्र है, मगर हर सूरा के शुरू में वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, लेकिन सूरा तौबा बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ता है और ऐसा ही पढ़ने का शरई हुक्म भी है। याया घर में तो खामोश रहता है मगर वो अपनी माँ के साथ बाहर निकलता है तो मुसलसल कुरान करीम की इन आयात की तिलावत शुरू कर देता है जिनमें अजाब इलाही से डराया गया हो या नेमतों की खुशखबरी सुनाई गई हो। इसकी ये अजीब हरकत देखकर इसकी माँ को तशवीश लाक हुई कि इसका बच्चा किसी नफसियाती बीमारी का शिकार तो नहीं है। वो उसे नफसियाती अमराज के माहरीन के पास लेकर गई, मगर डॉक्टरों ने इसे तसल्ली दी कि इस बच्चे को कोई बीमारी लाक नहीं है। लेकिन दोस्तों, माँ तो फिर माँ होती है। वो अपने बच्चे को इलाके के मशहूर आलिम के पास ले गई कि कहीं इस पर जिन्नात का साया तो नहीं है। जब आलिम याया पर दम करने के लिए कुरानी आयात पढ़ने लगा तो इसने भी आमिल के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर आमिल ने याया की माँ से कहा कि इस बच्चे पर किसी जिन का असर नहीं है, ये कुदरत का एक बहुत बड़ा मौजजा है जिससे हक्के ताला अपने दीन का बहुत बड़ा काम लेगा, जो तुझे मुबारक हो। याया की वालदा अपने इस मौजजाती बच्चे को दीन का इल्म सिखाना चाहती हैं और इनका कहना है कि मुझे यकीन है कि मेरे बेटे से दीन हनीफ की गैर मामूली खिदमत ली जाएगी। दोस्तों, इससे कबल अलजजायर से ताल्लुक रखने वाला 3 साल हाफ़िज़े कुरान अब्दुल रहमान अल्फारे ने भी पूरी दुनिया में धूम मचाई थी। दुबई में होने वाले हिफ़्ज़े कुरान के मुकाबले में उसे पहली पोजीशन देकर दुनिया का कम उम्र तरीन हाफिज करार दिया गया था, मगर गुज़श्ता माह अलजजायर में होने वाले मुकाबले में याया को दुनिया का 9 उम्र तरीन हाफिज करार देकर इसे अवार्ड से नवाजा गया है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।